हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल इमिन मुशान। मैं हूँ आपका होस्ट प्रिंशान। तो गैस, थंबनेल अपने देख के तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो ना ही अपडेट या इवेंट्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, न्यू आइटम किस चीज़ के ऊपर नहीं है। आज का जो हमारा वीडियो है वो गेम के ऊपर है। तो इसमें गैस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना केडी रेट कैसे बढ़ाएंगे। और ये जो आप बहुत से बंदे बोलते रहते हैं जो प्रो या न्यू जो होता है, इसका मेन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन बंदा अच्छा खेलता है और कौन बंदा अच्छा नहीं खेलता है, तो और किसके ऊपर आप ट्रस्ट करके रैंक अप कर सकते हैं। तो चलिए गैस जानते हैं इस बारे में। तो गैस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस पिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर से आपका केडी रेट कम है और आप चाहते हैं कि आपका केडी रेट इंक्रीज़ हो, तो गैस आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए या फिर बंद करके मत जाइए अगर से आपका चाहते हैं कि आपका केडी रेट इंक्रीज़ हो। क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका केडी रेट 2 भी नहीं है, इनफैक्ट 1 भी नहीं है, और वो लोग हीरोइक में जाकर पहुँच गए हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे हीरोइक के बंदों को मारा है, इनफैक्ट आपने ही मारा होगा कि आप देख सकते हैं वो लोग हीरोइक हैं, हीरोइक में हैं, पर फिर भी वो लोगों को खेलना नहीं आता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सिर्फ सर्वाइविंग करते हैं। और अभी जो ये नया आ चुका है डबल रैंक रैंक अप का टोकन, वो यूज़ करके साथ साथ हीरोइक पहुँच जाता है। उसके बाद बस बोलते हैं हम लोग प्रो हैं, हम लोग हीरोइक पहुँच गए, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो। जैसे नहीं गए, अगर से आपको सीरियसली प्रो बनना है, अगर से आपका हाथ स्किल, आपको स्किल प्लेयर बनना है, तो अभी जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ आपको उसको फॉलो करना होगा। तो पहले देखिए आप अपना केडी इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो गैस पहले आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ केडी। सर तो केडी का मतलब ये है, केडी का मतलब ये है कि नॉक डाउन रेशियो। केडी रेशियो का मतलब है नॉक डाउन रेशियो। तो हम लोग जो बोलते हैं केडी रेट, वो केडी रेट नहीं है, केडी रेट रेशियो होता है। तो क्या अगर से आप गेम में 5 किल करते हैं तो आपका 2-4 के लगभग केडी रेशियो बढ़ता है। तो गाइस सबसे पहला टिप आपको ये देना चाहता हूँ कि आपको कभी रैंक अप करने वाले बंदों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि आप जब उनके साथ खेलेंगे वो हमेशा सेफ प्लेस में उतरेंगे, और वहाँ पे उतरेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं उतरते होंगे। और अगर जब उसे वैसे जगह पे जाएंगे तो आपको किल्स नहीं मिलेगा। और आप उनके साथ खेलिए जो किल्स के लिए खेलते हैं। और हाँ, जो अगर से आपके फ्रेंड जब किल्स के लिए खेलेगा ना, समझिए जो रश करके खेलते हैं, तो उनके साथ आपका केडी रेट बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि रश करने वाले बंदे की, ज़्यादातर जो रश करते हैं ना उन लोग का केडी रेट क्यों इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो लोग बिना सोचे समझे घुस जाते हैं और मर जाते हैं। तो जितना भी उनका रहता है वो वापस डिक्रीज़ हो जाता है। पर अगर जब आपको रश करना है ना, तो ऐसे नॉर्मल घर के अंदर मत घुस के मार कीजिए। तो आपको सोच समझ के जाना चाहिए, जैसे आपको किल मिले, यानी उनको किल मिल जाए। आपको किल चाहिए तो आपको सोच समझ के पूरा टैक्टिक्स को लगा के आपको रश करना पड़ेगा। आपने बहुत से ऐसे प्लेयर्स देखे होंगे जो बोलेंगे जो हीरोइक में है, डायमंड 3 डायमंड 4 में उनके साथ खेलने के लिए, पर वो लोग कभी आपका प्रोफाइल या फिर आप कभी उनका प्रोफाइल ओपन करके नहीं देखते कि उन्होंने चाहे स्क्वाड हो, रैंक हो, जिस भी स्ट्रीम में आपको खेलना है उनके साथ, उन्होंने उसमें कितने गेम्स में कितना किल्स किए हैं। तो गैस अगर से समझिए आपका 100 गेम्स हुआ है और अगर आपका किल्स 100 के नीचे है, तो समझिए आप बिल्कुल भी ना ही किल्स के लायक हो, और ख़राब मत सोचना, और ना ही रैंकअप के लायक हो। क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर से आपको मुझे कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, पर ये सच है। क्योंकि अगर से आपको केडी रेट इंक्रीज़ करना है ना, तो आपका गेम से 2 गुना ज़्यादा आपका किल्स होना चाहिए। आप एक गेम में कम से कम भी 5 या 6 किल करो, तभी जाकर आपका केडी रेट बढ़ेगा। और अगर से आपको पता नहीं केडी रेट जो अपना है, केडी रेट शू से आप कहाँ पर जाके देख सकते हैं, तो आप अपना जो गेम का अपना जो प्रोफाइल है उसे ओपन कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए लाइफ टाइम, क्लासिक एंड रैंक लिखा रहेगा, उसमें से आप जाके रैंक चेक कीजिए। और जिसमें आपको देखना है सोलो, डुओ या स्क्वाड, स्क्वाड में जाके देखिए, 4थे नंबर में आपका रहेगा केडी रेशियो, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और मैं गारंटीड बोल सकता हूँ बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका इनफैक्ट 1 भी नहीं है, इनफैक्ट 1 भी नहीं है। ख़राब लगता है सुनने पर है। तो गाइस दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप वहाँ पे उतरिए, मतलब ज़्यादातर वैसे जगह में उतरिए जहाँ पे लूट ज़्यादा हो, जैसे कि अगर जो पीक हुआ और क्लॉक टावर, क्योंकि ऐसे दो जगह में लूट भी होता है और बंदे भी ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे आपको जब उतरेंगे, जब आप पैराशूट में रहेंगे, तो आप ऊपर से नीचे देखिए कि कहाँ पे गन है जिसका फायर रेट ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा है, अगर जब शॉट गन भी अगर आपके हाथ में आ गया, AK आ गया, मतलब कोई सा भी गन अगर से आ गया, तो आपके किल मिलना आपको पक्का है। आप सीधे गन के ऊपर उतरिए और गन लीजिए, जो बंदा आपके सामने है उसे मार दीजिए। क्योंकि अगर से आप स्टार्टिंग में ही अगर से किल कर देते हो ना 2-4, तो आपका जो कैरेक्टर, आपका जो हाथ रहता है ना, वो पूरा फॉर्म में आ जाता है। और अगर जब स्टार्टिंग में ही सेफ खेलना शुरू कर देते हो, तो आप जो बंदा आपके सामने आता है उसको मारने में हिचकिचाते हो और वो आपको मार देता है। और अगर जब स्टार्टिंग में ही आप अगर जब मारना स्टार्ट कर देते हो, तो आप पूरा अलर्ट रहते हो, एक्टिव रहते हो, जैसे ही बंदा है उसको साथ साथ मार देते हो। तो गाइस ये चीज़ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं भी सेफ खेला करता था, उतरता था दूर में,
जब मैं गेम खेलना स्टार्ट किया था तब का बोल रहा हूँ, तो दूर में उतरता था, चोरी छुपे खेलता था, और जब बंदे आते थे तो मुझे मार के चले जाते थे। मैं मारने में बहुत स्लो था, पर फिर खेलते 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 स्किल होने के बाद फिर मुझे पता चला कि स्टार्टिंग में अगर हम किल करना स्टार्ट कर देते हैं तो गेम के बीच या फिर स्टार्टिंग के बाद तो हम पूरा फॉर्म में रहते हैं कि जैसे ही बंदा है उसको आराम से मार देते हैं। तो गैस जैसा आपने कहावत सुना होगा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो गैस वैसे ही अगर चाहे आपको रैंक अप मतलब आपको केडी रेशियो बढ़ाने के लिए अपना रैंक खोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर मैच में आप जीतते हो। अगर आपको किल्स मिलता है तो आपका माइनस भी होगा, और आप अगर चाहे माइनस को देखोगे तो आपको किल्स नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर चाहे समझिए आप स्टार्टिंग में उतरे और टॉप 40 के अंदर आपने 5-6 किल कर दिए, उसके बाद आप मर गए, तो आपका माइनस तो हुई लगभग, अगर चाहे आप डायमंड 1 के ऊपर है तो आपका 30 लगभग माइनस होगा या उसके उससे ऊपर, और अगर प्लैटिनम में रहे तो जो भी माइनस होगा, पर आपका केडी रेशियो इंक्रीज़ होएगा उसमें। और वो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट रखता है, रैंक से भी ज़्यादा केडी रेशियो आपका रैंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो गैज़ ये वाली मेरी नई आइडिया, क्योंकि मेरी पुरानी वाली जो आईडी थी मोगैम्बो वाली, तो वो वाली मेरी बैन हो गई। क्यों बैन हुई? बैन एक ही वजह से हो सकती है, क्योंकि मैंने रिफंड मारा था, क्योंकि और मुझे पता नहीं था रिफंड मारने से बैन हो जाएगा, तो मैंने बहुत सारे रिफंड मारे थे, तो उससे मेरी आईडी बैन हो गई। तो ये जो मेरी आईडी है ये मैंने कुछ ही दिन पहले खोली है, तो आप इसमें मेरा किल्स और गेम्स देख सकते हैं स्क्वाड में, 127 पे 369, मतलब चलेगा, मतलब लगभग दो गुना से भी ज़्यादा किल्स है गेम के मुताबिक। और अगर जब मैं आपको अपना केडी रेट दिखाऊं, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा केडी रेशियो है अभी 3.45। तो मैं आपको इसमें टायर मुताबिक समझाता हूँ। टायर मतलब वो साइकिल और बाइक का टायर नहीं, टायर मतलब आप लोग समझते हो कि हर गेमर्स को पता है टायर का मतलब क्या है। तो गाइस अगर जब 2.0 के ऊपर हो तो समझ लो आप प्रो हो, और अगर जब 3.0 के ऊपर हो तो समझ लो आप मास्टर हो, और अगर जब 5.0 के ऊपर हो तो समझ लो आप लेजेंडरी हो। अगर मतलब समझिए, अगर चाहे आप 3.0 के ऊपर हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और आपका पास इतना स्किल होना चाहिए कि आप अकेले ही एक स्क्वाड को निपटा दो। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अकेले ही एक स्क्वाड को मारा, तो ऐसे ही आपके अंदर जोश होना चाहिए कि आपका चाहे जितना भी हेल्थ हो आपको डरना नहीं है, बंदा है आपके अंदर तो मारो, जितना हो सके उसको मारना है आपको, आपको डर के पीछे नहीं जाना है, चाहे आप मर भी जाओ पर किल्स करके मरो। तो गैस आपके साथ ही कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि आप किल करते हो और आपका किल चोरी हो जाता है, और आपके आप मारने के उसे ख़त्म करने के बदले जाके मिडबैक लपेटते रहते हो। तो गैस अगर जब किसी बंदे को डाउन करते हो, एक बंदा या दो बंदा, तो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दो या फिर उसके पास माइन लगाकर भाग के आ जाओ, क्योंकि अगर जब ग्रेनेड और माइन लगा कर आओगे तो किल आपका चोरी होने का चांस ही नहीं है, और वो हील अप भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका बंदा अगर चुहाएगा तो वो भी मर जाएगा। तो ऐसे में क्या आपका किल चोरी भी नहीं होगा और आप आराम से आपको किल्स का किल्स भी मिल जाएगा। ये एक तो बहुत सी टैक्टिकल ट्रिक है, या टिप भी आप कह सकते हैं उसको, जो आपको फाइट के दौरान हमेशा यूज़ करनी रहती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने उन दो बंदों को डाउन किया और वहाँ पे माइन लगाकर भाग आया, क्योंकि अगर चाहे मैं उनको वैसे छोड़ के आता और मेरा ध्यान इधर इनको मारने के ऊपर रहता तो एक बंदा जाके उनको हील कर देता और वो चारों के चारों मुझे मारने आ जाते। तो गाइस अगर चाहे आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं यहाँ तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर चाहे मैं और भी बहुत से टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको आप लोग को पूरे देखोगे नहीं, मुझे पता है। तो अगर चाहे आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक और पार्ट बनाऊं, तो आप कमेंट्स करके मुझे बोल सकते हो, तो मैं रिव्यूज़ देखूंगा, उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड जो मैंने टिप्स बताया प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तो आपका केडी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।